आपने पहले बोर्ड्स तो दे चुके, बस आपके पास रही बात आपको करनी है पढ़ाई CET की, जो 2024 में आप लोग देने वाले हो एज अ ड्रॉपर्स। बस इतना ही कि आपके ऊपर बस डबल प्रेशर है, तो उस डबल प्रेशर को एक पावर की तरह यूज़ करो, खुद का लिखते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से ना मार्क्स चले जाते हैं, तो एक एक चीज़ से। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो ये वीडियो जो है वो ड्रॉपर्स के लिए है स्पेशल, क्योंकि बहुत से बच्चों ने ड्रॉप लिया होगा, आई नो वेरी वेल। बट आई थिंक सो कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी। बट अगर नहीं हो रही, आपको फिर भी फील हो रहा है कि आपकी नहीं हो रही है, आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो लेट मी टेल यू सम थिंग्स, कुछ टिप्स दे दूँ मैं आपको, या फिर कुछ चीज़ें आप बता दूँ आपको जो आपको हेल्पफुल हो सकती है थ्रू आउट योर जर्नी, जो भी बचे कुछ दिन उसमें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, आपने बोर्ड्स पहले दे चुके हैं आप लोग, आपने पहले बोर्ड्स तो दे चुके, बस आपके पास रही बात आपको करनी है पढ़ाई CET की, जो 2024 में आप लोग देने वाले हो एज अ ड्रॉपर्स। तो आपके पास एक फ़ायदा है, वो है कि आपका सिलेबस बोर्ड्स का तो ऑलरेडी हो चुका है पिछले साल, तो यू हैव एन आइडिया कि भैया हमको पढ़ना क्या है, क्या आ सकता है एग्ज़ाम में। आपने एग्ज़ाम दी हुई है, आपको एटमॉस्फेयर पता है, आप एग्ज़ाम के एटमॉस्फेयर से फ्रेंडली हो, ये सब चीज़ें आपके साथ एक बेनिफिट की तरह रहेगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज़ कि हम लोग ना, मतलब ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो दैट मैं तो बोलूँगी कि हम लोग लाइफ का बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक साल रुकने वाले, हमारे दोस्त आगे चले जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे, ये सोचते हैं हम लोग। क्योंकि एक टाइम मेरे को भी लग रहा था कि शुड आई टेक ड्रॉप और वॉट, मेरे को ऐसा लग रहा था, बट मेरी फैमिली ने अलाउड नहीं किया और मेरे पास बहुत से ऑप्शन थे, इसलिए मैंने सोचा भी नहीं ड्रॉप के बारे में, ठीक है। बट आप लोग ने अगर सोचा है तो वेल एंड गुड, आपके हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे होगे। प्रेशर तो होता है बहुत सारा, प्रेशर होता है कि डबल प्रेशर होता है, फैमिली को होता है, फ्रेंड्स को होता है, और एक फोमो काइंड ऑफ हो जाता है हमें कि भैया हमारे दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, वो तो एक साल उनने पूरा भी कंप्लीट कर लिया और हम लोग अभी तक 12th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर CET की पढ़ाई कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक पूरा साल बिता लिया, अब सोच के कुछ है नहीं। आपको लग रहा होगा कि अगर नहीं हुआ इस बार भी ऐसा वैसा, तो आप इतना मत सोचो, ठीक है। मैं आपको पहली बात ये बता दूँ कि आप इतना मत सोचो कि होगा नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने तो खुद अपने पहले ट्राई में भी इतना नहीं सोचा था कि होगा नहीं होगा। बट हाँ, मैं कंसिस्टेंटली अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा कर रहे थे हम लोग, तो आई सजेस्ट यू कि आप भी अच्छा करते रहो अपनी प्रोसेस को। एंड अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ रही होगी तो कमेंट में बता देना स्पेसिफिक चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही होगी, ठीक है, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगी। तो पहली चीज़ तो आपको मैंने बोल दिया कि कॉन्फिडेंट रहो, दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव रहो, एंड तीसरी चीज़ हेल्दी खाओ, बिकॉज आपका खाना पीना बहुत मैटर करता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो। बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है एग्ज़ाम देना, और वहाँ पर खाना पीना सब पे ध्यान देना देते रहो, क्योंकि आपका जो भी खाने पीने का, अभी जो अगर जंक खा रहे होगे तो आपको वो बाद में जाके तकलीफ देगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के खाना भी चूज़ करो अपना, कि कैसे खा, कैसी चीज़ें हेल्दी है, जंक है वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको तीसरी टिप देना चाहूँगी, तीसरी है चौथी टिप देना चाहूँगी, वो है कि आपने जो मिस्टेक पिछले साल की थी, प्लीज़ वो मिस्टेक इस साल दोहराना नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि 5th और 6th टिप भी इसमें मैं बता देती हूँ कि प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज कोई ऐसा जादुई फंडा तो ड्रॉपर्स और फ्रेशर्स के लिए कुछ होगा नहीं, क्योंकि सबके लिए अब एग्ज़ाम एग्ज़ाम होती है, ठीक है, एग्ज़ाम एग्ज़ाम होती है, सबको डिफ़िकल्टी आने वाली है, मतलब सबके लिए डिफ़िकल्टी लेवल सेम ही होगी। जिसने पढ़ाई की उसको ईजी लगेगा, जिसने नहीं की उसको हार्ड लगेगा। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बस पॉजिटिव रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपना 100% दो, अपनी तरफ से कोई गलती मत होने दो, ठीक है। तो अपनी जो पिछले साल की आपकी गलतियाँ थी, आपने जो गलतियाँ एनालिसिस की होगी आपने, वो गलतियाँ दोहराना मत, गलतियों को अभी एनालिसिस करो कि भैया जब अगर मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरी कौन सी चीज़ पर गलती हो रही है, कौन सा क्वेश्चन इतना आसान है फिर भी मैं गलती कर रहा हूँ, या फिर अपना टाइम पे ध्यान दो। ऐसे छोटी मोटी टिप्स होती है जो हमको उस पर ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों से ना मार्क चले जाते हैं, तो एक एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से, तो अपना उस पर ध्यान रखो, एंड दैट्स इट। प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्फिडेंट रहो, पॉजिटिव रहो, अपना फाउंडेशन बिल्ड करते रहो, अपनी बेसिक
चीज़ों पे ब्रशअप करते रहो, याद करते रहो उनको, क्योंकि बेसिक चीज़ें भी कभी कभी अच्छा हमको मार्क्स दिला सकती है। 2 या 3 मार्क्स हम लोग बेसिक चीज़ों से ही ला सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो कि आपकी कौन सी चीज़ें बेसिक आप भूल चुके हो, या फिर कौन सी बेसिक चीज़ें जो एग्ज़ाम में आई थी, पिछले साल आई थी, तो एक पैटर्न देख के चलो। ठीक है, तो दैट्स इट। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि अलग होगा कुछ ड्रॉपर्स के लिए, बस इतना है कि आपके ऊपर बस डबल प्रेशर है, तो उस डबल प्रेशर को एक पावर की तरह यूज़ करो, खुद को स्ट्रांग रखो, अपने फाउंडेशन को बिल्ड करते रहो। दैट्स इट, एंड आई होप दिस विल हेल्प यू। श्री कृष्णा, राधे राधे, अपना 100% दो। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय।